गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका जीनियस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं लगातार कंटेंट दे रहा हूं आपको, प्रश्नावली 3.1 पूरी तरह से मैंने पढ़ा दिया है। और अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 में। लेकिन 3.2 को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक से जानकारी है, जिसमें सूत्र हम कह सकते हैं वो आपको पढ़ना है, क्योंकि जब सूत्र आपको याद रहेगा तो आप आराम से बेहतर से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए। सबसे पहले तो आप पूरी तरह से हमने लिख दिया है, इसको आप पूरी तरह से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, तब हम पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरी तरह से हमने छोड़ दिया है, मैंने कुछ इंटरफेयर नहीं किया है, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से आ रही होंगी। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम कलरफुल भरा हुआ है पूरा। अब क्या करना है, इसको समझना है। ठीक, और ये ग्राफिकल सिस्टम जैसे मैंने बताया था, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, सारी चीज़ों को ग्राफिकल के रूप में लाना है। इसलिए इस मैथ में भी मैंने ग्राफ का प्रयोग किया हुआ है और आपको समझने में आसानी होगी, इस ऐसा हमारा प्रयास होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। दो चर वाले पाठ का नाम है पाठ 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, प्रश्नावली 3.2 का बेसिक। एक तरह से हम कहें कि इसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उसके बारे में। ठीक, ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3। तो ग्राफ 1 में पहले नंबर पे देखेंगे एक रेखा ऐसी जा रही है, ठीक, और एक रेखा ऐसी जा रही है। तो दो रेखा जा रही है, दो रेखा एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। ठीक, इतना समझ में भी आ गया होगा कि दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही है। दूसरा देखिए, यह एक रेखा है और इसी रेखा पर एक रेखा और जा रही है, तो दो रेखा एक रेखा के ऊपर ही जा रही है। ये भी आपको समझ में आ गया, पहले वाले में दो रेखा एक दूसरे को काट रही थी, इसमें आप देखेंगे कि दो रेखा एक दूसरे के ऊपर से जा रही है। ग्राफ नंबर 3 की बात करेंगे तो दो रेखा है और ये दोनों रेखा समांतर है। ठीक, समांतर रेखाएं हैं और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। तो पहला पॉइंट हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, लेकिन मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इसका क्या करें, कहाँ प्रयोग है। तो आगे आपको प्रयोग मिलेगा, लेकिन इतना तो समझ में आ गया होगा कि दो रेखा एक बिंदु पे काट रही है, दो रेखा एक दूसरे के ऊपर से होके जा रही है, और ये दो रेखा एक समांतर रेखा है। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 पे क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब ये है कि जब दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेगी तो उसे हम नाम देते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक, अगर कोई एक रेखा ऐसे आ रही है और एक रेखा ऐसे जा रही है और एक बिंदु पे काट रही है, तो हम उसको क्या नाम देंगे, उसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक, हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, एक रेखा के ऊपर जब दूसरी रेखा होकर के जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संपाती रेखाएँ। ठीक, अगर प्रश्न मिला है कि संपाती रेखाएं पहचानिए, तो इसका मतलब है कि एक रेखा के ऊपर से एक रेखा होकर के गुजरेगी तो उसे क्या कहेंगे, संपाती रेखाएं। हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, तीसरे नंबर की बात करेंगे, जब दो रेखा एक दूसरे के समान अंतर पे होगी या समांतर होगी तो उसे कहते हैं समांतर रेखाएं। क्लियर है, पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो आपके मन में प्रश्न आ गया, सर a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है। आना लाजमी है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं a1 क्या है, b1 क्या है और c1 ये सब क्या है, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा समीकरण लेकर के, उदाहरण लेकर के आपको समझाने का भरसक प्रयास किया है। आइए देखिए, यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1, 5x-4y+8=0। तो इसमें सूत्र होता है a1x b1y c1=0। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि x का जो गुणांक है,
यक्ष जिसके साथ में है, मतलब यक्ष के साथ किसका गुणा है, फाइव का है ना, तो हम क्या कहेंगे, ए वन बराबर कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ए वन हमको कैसे मिला, तो यक्ष का जो गुणांक है वही हमारा ए वन है। ठीक, इस तरह से अब हम बी वन की बात करेंगे। बी वन क्या है, तो इसमें वाई का जो गुणांक होगा वही हमारा बी वन होगा। तो b1 हमारा क्या होगा, माइनस फोर होगा, क्योंकि y का जो गुणांक है माइनस फोर है। ठीक, तीसरे नंबर पे देखेंगे c1 क्या है, तो c1 बराबर आप देख सकते हैं कि क्या है, 8 है हमारा, कितना आ रहा है 8, तो a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस फोर, c1 बराबर 8। तो a1 b1 c1 ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पे आ जाइए, ए वन बटे ए टू, मतलब a1 वन बटे ए टू। अब a2 क्या है भाई, a2 का मतलब हो जाएगा समीकरण नंबर दो। समीकरण दो से देखेंगे x का गुणांक किसके साथ में है, x का गुणांक किसका है, सात है, y का गुणांक क्या है, छः है, c की जगह पर क्या है, माइनस नाइन है। तो हम क्या कहेंगे, सूत्र होगा ए टू यक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। तो हम क्या करेंगे भाई, यक्स का जो गुणांक होगा उसी को तो हम ए टू कहेंगे, तो ए टू बराबर कितना मिलेगा मुझेगा, यहाँ पे सेवन हो जाएगा भाई, थोड़ा सा मिस हुआ है देखिए, क्योंकि ए टू का जो गुणांक है सेवन हो जाएगा। ठीक, तो ए टू बराबर सेवन हो गया, समझ भी आ गया होगा, क्योंकि यक्स का गुणांक जो है भाई, यक्स का गुणांक सेवन है, तो ए टू बराबर सेवन हो गया। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट b2 की बात कर लेंगे। b2 y का जो गुणांक होगा, तो y का गुणांक क्या है, 6 है, वो भी प्लस में है, तो इसका मतलब हो जाएगा b2 बराबर 6। अब हम देखेंगे c, c2 की बात करें, c2 की जगह कितना है, माइनस नाइन, तो c2 बराबर हो जाएगा माइनस नाइन। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये पूरी तरह से हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम कम बैक करते हैं इस टॉपिक पे, जिस पे हम कन्फ्यूजन की स्थिति थी कि ये क्या आ गया, ए वन बी वन सी वन सी टू, ये कहाँ है, कैसे इसको यूज़ करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए, अगर थोड़ा सा हल करें इसको, ए वन बटे ए टू, थोड़ा सा रफ कार्य करें, ए वन बटे ए टू, उस समीकरण के अनुसार अगर देखें तो ए वन की जगह कितना है, फाइव है, ए टू की जगह पे कितना है, सेवन है। ठीक, तो हो जाएगा ए वन बटे ए टू बराबर फाइव अपॉन सेवन। ठीक, अब देखिए बी वन बटे बी टू, अब देख लो भाई बी वन बटे बी टू क्या हाल चाल है, लिख लेते हैं बी वन बटे बी टू। अगर मैं ना भी लिखूं और मैं कह दूं क्या आप अपने आप से लिख सकते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और रोकूं और कहूं कि कमेंट करके, आप पढ़ रहे हैं थोड़ा कमेंट करके बताएं कि आपको आ रहा है, लिख सकते हो, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कुछ सेकेंड के लिए, आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। अगर पढ़ रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, थोड़ा कमेंट करके बताइए कि हाँ आप लिख सकते हो, सर मुझे समझ में आ रहा है। अगर आपने लिखा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, इसका मतलब मैं समझूंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बेहतर आपको समझ में आ रहा है। ठीक, आपने कमेंट किया होगा। आइए देखिए b1 बटे b2, अब देखिए b1 कहाँ है हमारा, b1 ये है ना, ये b1 बराबर कितना है, माइनस फोर है, तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पे रखना चाहिए क्या, माइनस फोर रखना चाहिए। क्लियर इतना। अब देखिए b2 कितना है, b2 बराबर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि b2 बराबर क्या है, 6 है। ठीक, तो हम रख लेंगे क्या भी, b2 बराबर 6। फिर हम चेक करेंगे क्या ये जो रखा है इसी तरह से स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही है, तो हम रखेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो ए वन बटे टू क्या निकला हमारा, पाँच बटे सात बराबर नहीं है माइनस चार बटे छः। तो ये समझ में आ गया है, समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसी तरह से अब आगे देखिएगा कि
आपने देखा कि हमारा ये पहला स्टेप हो गया रेखाएं वाला, प्रतिच्छेदी वाला हो गया है। तीसरे नंबर पे आपने इस चीज़ को समझ लिया कि A1, A2, B1, B2 इन तत्वों को बेहतर तरीके से समझ लिया है। अब आपको एक तनिक भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा कि A1, B1, C1 का मतलब क्या होता है। क्लियर है? आगे देखिए, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो बनती हैं A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो इसको हम कह सकते हैं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं है, क्योंकि इसी लिस्ट में आ रही ना ये पूरी, ठीक, तो इस लिस्ट में आ रही है। तो जब हमको क्वेश्चन कहा जाए कि आगे चेक करिए कि आप प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं कि नहीं है, अगर ऐसे मिल जाएगा तो कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं है, ठीक। आगे देखेंगे A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, इसका मतलब सब बराबर रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, संपाती रेखाएं। आगे प्रश्न देखोगे तो पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि संपाती रेखाएं इनमें से कौन सी हैं, तो आप तुरंत समीकरण लिखिएगा और देखिएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिएगा अगर सब बराबर हो जाए, अगर सब बराबर हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या कहेंगे, संपाती रेखाएं है। क्लियर? आगे देखिए, आगे भाई क्या है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो ऐसी स्थिति दिख जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं हैं या नहीं है, तो हम कहेंगे समांतर रेखाएं हैं क्योंकि इस लिस्ट में तो ही आ रहा है ना, ठीक। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे कि समांतर रेखाएं हैं, ठीक। अब आगे देख लीजिए, मैंने तीन तथ्यों को पूरी तरह से एकदम क्लियर रूप से आपको समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक। चौथा देखिए, एक हल है, ठीक, अनंत हल है, हल संभव नहीं है। चलो इसका क्या माजरा है भाई, कैसे इसको समझेंगे इसको, ठीक। एक हल है, अनंत हल है, हल संभव नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा कुछ, इसको आप बेसिक देख लीजिएगा। हल का अर्थ है दो रेखाएं एक दूसरे को जितने बिंदु पर काटती हैं वही उसका हल होता है। फिर से देखिए, हल का अर्थ है दो रेखाएं एक दूसरे को जितने बिंदु पर काटती हैं वही उसका हल होता है, ठीक। अगर कोई रेखा एक दूसरे को चाहे एक बिंदु पे काटे चाहे अनंत बिंदु पे काटे तो उसे हम कहेंगे कि वो उसका हल संभव है। अब कैसे, देखिए एक रेखा यहाँ से ऐसे आ रही है, एक रेखा यहाँ पे ऐसे जा रही है, एक बिंदु पे काट दी, जब एक बिंदु पे काट दी, एक बिंदु पे काटे या अनेक बिंदु पे काटे, एक दूसरे को काटेगी तो इसका मतलब है कि उसका हल है, ठीक। अब एक जगह काटेगी तो एक हल है, ठीक, रेखा के ऊपर ही रेखा रहेगी तो कई जगह पे कई बिंदुओं पे काटेगी ना वो, भाई एक रेखा है कितने बिंदु होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं इसमें, ठीक, ऐसे ऐसे करके जाओ एक दूसरे के ऊपर काट ही रही है तो क्या कहेंगे, अनंत हल है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट तीसरी बात करते हैं, हल संभव नहीं है, क्या आप बता सकते हो कैसे खींचें दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को जब तक छुएगी नहीं काटेगी ही नहीं तो हल कहाँ निकलेगा, ठीक, तो हल संभव नहीं है, ठीक। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट हमने छोड़ा था, ठीक, किस लिए छोड़ दिया था कि जहाँ पे हल संभव होता है चाहे एक हल निकले चाहे अनेक हल निकले उसे कहते हैं संगत, संगत है, ठीक, ये क्या है, संगत है, संगत है, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या है, अनंत हल है, मतलब हल निकल रहा है और जहाँ कहीं भी हल निकलेगा वहाँ पे निश्चित रूप से संगत होगा। चलो संगत है, ठीक। अब आगे देख लीजिएगा, हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि संगत है या नहीं है, भाई कोई हल ही नहीं निकल रहा है ना, एक जगह पे काट रहा है ना अनंत जगह पे काट रहा है, तो क्या कहेंगे इसको, हम इसको हम कह देंगे असंगत है, असंगत है, असंगत है, ठीक। तो ये ग्राफ हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ
और बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं, ठीक, आप देखोगे उसमें पूछेगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं बताओ, तो आपको क्या करना होगा, ऐसी स्थिति बनाना होगा ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू। अगर ऐसा बन जाए, जान लो प्रतिच्छेदी रेखाएं है, ठीक, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, ठीक, ऐसी स्थिति बन जाए तो उसे कहेंगे संपाती है, ठीक, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे कि ये हमारी समांतर रेखाएं हैं, ठीक। अगर समांतर प्रतिच्छेदी पूछता है प्रतिच्छेदी बताओ, संपाती पूछता है संपाती बताओ, समांतर रेखाएं पूछता है समांतर रेखाएं बताओ, ठीक। अब कह रहा है हल बताओ, एक हल है कि अनंत हल है या हल संभव नहीं है, है क्या समस्या, तो इसको आप बताओगे कि जो ऐसी स्थिति का बनेगा तो हम कहेंगे एक हल है, ऐसी स्थिति होगी तो कहेंगे कि हमारा ये अनंत हल है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति बनेगी तो हल संभव नहीं है, ठीक। अब देखिए जहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं उसे हम क्या कहेंगे, संगत है, और जहाँ पे एक दूसरे कई बिंदुओं पे काट रही है वो भी संगत है, जहाँ कहीं काट ही नहीं रही किसी बिंदु पर उसे कहेंगे असंगत है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हमने मुख्य रूप से सारे बेसिक से बेसिक तथ्यों को आपको बताया है, जो कि आमतौर पर अगर आप ढूंढेंगे भी तो आपको शायद बताया जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम ही सबसे बड़े बेहतर हैं, लेकिन हमने प्रयास अपना किया है, बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास किया है कि आपको बेहतर से समझा पाऊँ, और आपका कमेंट हमें प्रेरणा देगा कि हमने क्या, हमारी जो मेहनत है वो किस तरह की रही, आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक। तो आप बिल्कुल कमेंट में, आपका कमेंट और आपका लाइक दो ही चीज़ हमें प्रेरणा देगा। और सब्सक्राइब करने का क्या मतलब होता है, सब्सक्राइब करने का मतलब यही होता है कि यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है हमारा चैनल तो जब कभी भी कोई भी वीडियो वहाँ से अपलोड करेंगे तो तुरंत आपके पास पहुँच जाएगी, ठीक। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो आपके पास वीडियो नहीं पहुंचेगी, तो अगली वीडियो का आप इंतज़ार करते रहेंगे, आए कब आए पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप अगर अच्छा लग रहा हो हमारा पढ़ाना, ठीक, हमारी टीम का पढ़ाना, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और कमेंट के माध्यम से हमको ये जानकारी देंगे कि हमारी मेहनत कैसी रही। ओके, तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।